तो गिरवर गोपाल जी गर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पूरे राजस्थान के सबसे बड़े ज्योतिष हैं आप। सर आज मेवाड़ की धरा पर आप पधारे हैं, तो राजनीतिक अपने चरम पर चल रही है राजनीति। क्या रुख है आपका इस बार? क्या लगता है कि किसकी सत्ता, कौन सत्ता में वापसी करेगा, या जो सत्ताधीश है वही सत्ता में बने रहेंगे? सत्ताधीश हैं वो सत्ता में बने रहेंगे। जी ये 16/3/2023 को मंगलनाथ उज्जैन के अंदर अविंतक नगरी में हमने घोषणा की है जी और कुंडली बना करके उसका पूरा जी बारह बज के 17 मिनट पे मंगलनाथ पे उज्जैन के अंदर 16/16/3/2023 को कुंडली बनी है। जी आपने अब तक जो भी घोषणाएं करी हैं वे अधिकांश साबित होती हुई दिखाई दी हैं, तो कहीं ये आपकी जो घोषणाएं हैं यह वाजपेयियों के अरमानों पर पानी ना फेर दे? जो भी होगा वो तो प्रभु की इच्छा से ही होगा। कुंडली भगवान की बनी है, हमारी बनी हुई नहीं है, जी भारतीय ज्योतिष के अनुसार बनाई हुई है सर उसको। जी अच्छा, मेवाड़ की धरा पर आप हैं। सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज चैनल के माध्यम से मेवाड़ की पावन धरा पर आपका स्वागत अभिनंदन है। पर मेवाड़ का रुख किस तरफ है आपकी बार? मेवाड़ का रुख पूरा सर अभी है, मैं जो कुंडली के आधार से भी हमने देखा है इसको पूरा, तो वो पूरा लग रहा हमें कि पूर्णतया से बहुमत कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है सर। आपने इसका जो आंकड़ा निकाला है वो किसी ज्योतिष विद्या के माध्यम से निकाला है? तो अगर कुछ आपके पास दस्तावेज हो तो हमें दिखा सकेंगे हाँ आप? बिल्कुल दिखा सकेंगे आपको हम अपना दस्तावेज पूरा। तो आप दिखाइए सर। इसमें कहीं ना कहीं गौरव वल्लभ जी का जिक्र भी आ रहा है, तो बिल्कुल आ कहीं रहा यह है अंदेशा है कि गौरव वल्लभ जी भी उदयपुर से, क्योंकि 20 सालों से अभेद किला रहा है बीजेपी का, तो यह आपकी बार सेंधमारी होगी? बिल्कुल होगी जी, क्योंकि हमने गौरवल्ल जी की कुंडली बना के देखा पूरा मतलब, जी और अभी तात्कालिक में हमने कुंडली बना के अभी भी तात्कालिक आपके सामने कुंडली बना के उसका विवेचन कर सकते हैं आपके सामने। अभी जी तात्कालिक का भी हमने धनु लग्न चल रहा है अभी वर्तमान में, और धनु लग्न लाभ स्थान में चल रहा है वर्तमान में अभी, जी और इसका जो विपक्ष का भाग है वो मतलब अभी उसमें चल रहा है, वाय स्थान में चल रहा है मतलब, जी तो अभी विपक्ष का या बोलबाला नहीं हो सकता है मतलब। अगर कुछ आंकड़ों के माध्यम से, क्योंकि राहु की सौर है, शनि की सौर है, केतु की सौर है, ये अगर आंकड़ों के माध्यम से आप दिखा देंगे तो वो दर्शकों के लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा। विश्लेषण कर मैं बता देता हूँ सर आपको कि जी जैसे अभी हमने ये कुंडली बनाई थी उज्जैन के अंदर बनाई थी, जी 16 मार्च 2023 को 12:17 बजे बनी थी, 17 मिनट में मतलब, जी क्योंकि इस घोषणा में राजस्थान के श्री उसमें हमने धनु हमारा नक्षत्र था सर, उसमें जो लग्न था वो मिथुन लग्न था सर, जी मिथुन लग्न में मंगल पड़ा हुआ था और बाकी ग्रह सूर्य बुध और गुरु ये हमारे केंद्र में दसवें स्थान में गए हुए थे सर, जी और शनि भाग्य स्थान में है, और दूसरा मायावी ग्रह एक पंचम स्थान पे जनता का जो भाग होता है वो मायावी भाव, जो केतु पड़ा हुआ पंचम भाव में वो जनता का भाव है, पब्लिक का भाव है, वो पब्लिक ये नहीं कह सकते हम कि कितना जो गणना की गई उसके अनुकूल तो सीटें हमारे हिसाब से जो बन रही है वो 111 से 121 तक सीटें बन रही है कांग्रेस की, और बाकी सीटें इससे ज्यादा भी बन सकता है क्योंकि केतु मायावी ग्रह पड़ा हुआ है पंचम जी स्थान में, तो पब्लिक कल क्या रुख कर सकती है ये हमें ज्योतिष के अनुसार मालूम नहीं पड़ सकता इतना, लेकिन हम ग्रहों के बारे में इतना जान सकते हैं कि ग्रहों के अनुसार पूर्णतया से कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। जी तो ज्योतिष विद्या के माध्यम से तो आपने बता दिया। आपके पड़ोस में के शर्मा साहब भी बैठे हैं जो विप्र फाउंडेशन के ए जोन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो साथ में सिसोदिया साहब भी आपके विराजे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं राजपूत और ब्राह्मणों का रुख भी इस बार कांग्रेस की ओर रहेगा शर्मा साहब? पूरा रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण कल देखो हमारे लंबे समय बाद हमने उदयपुर के अंदर खोए खोया है, और अब ये अच्छा विद्वान व्यक्ति हमको मिला है, और सब लोगों की ये सोच है कि इस बार आर और पार सब ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के
विप्र समाज भगवान परशुराम जी के नाम पे ये इसको वोट करेंगे गौरव वल्लभ जी को। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो लोगों की सोच है उनका ये है कि इस बार विप्र सर्वोपरि है, विप्र को जैसे तैसे हर कंडीशन के ऊपर विप्र को जिताने की हर सर प्रयत्न करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर वोट करेंगे। मेरे हिसाब से 100% की बात करता हूँ मैं, लोग जो जिस हिसाब से रुझान आ रहा है उसकी 2-4% अगर नहीं हो तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ। इस बार ब्राह्मण समाज का पूरा आशीर्वाद गौरव वल्लभ जी के ऊपर रहेगा, ये मैं मुझे ऐसा जानकारी मिल रही है। और मैं चाहता हूँ भगवान परशुराम जी का पूरा आशीर्वाद ब्राह्मणों पर रहे और ब्राह्मण पूरी सद्बुद्धि से इसके अंदर अपने मताधिकार का प्रयोग करके और गौरव वल्लभ को विजय बनावे, यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन। जी सिसोदिया साहब, राजपूत समाज का रुख किस और आपकी बात? अभी पूरा गौरव जी के साथ है और जहाँ तक मैंने पता किया आज गौरव जी बहुत अच्छे बहुमतों से जीतेंगे। और रहा सवाल जाति समाज की बात नहीं है, आज पूरा उदयपुर शहर गौरव जी के साथ जुटा हुआ है, एकजुट हुआ है, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, बनिया हो, कोई भी हो, सारा समाज आज दिल से जुड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति आज पहली बार हमको उदयपुर शहर में मिला है, जिसके लिए हर युवा यही कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति हमको पहली बार मिला, तो हम जरूर गौरव जी को विजय बनाएंगे और ये सब हमारी शुभकामनाएं उदयपुर पूरे शहर। धन्यवाद। उदयपुर कार्स उदयपुर का सबसे भरोसेमंद प्री ऑनेड कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी उचित दर में बेस्ट यूज्ड कार्स। हमारे यहां सभी प्रकार की कारें फाइनेंस सुविधा और एक्सचेंज सुविधा के साथ उपलब्ध है। आपके बजट में मिलेगी शोरूम जैसी कार, तो इस त्योहारी सीजन में एक बार जरूर पधारे उदयपुर कार्स, शुभागपुरा सॉफिट रोड, शुभ केशर गार्डन के पास। मोबाइल नंबर 7014167424, 9414239075, 9828492486।